नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 16 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पैक्स खरीदेगा धान इस किफायती दाम में। धान की खरीदारी का मौसम शुरू हो चुका है। इस साल सरकार का लक्ष्य 30 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी करने का रखा गया है। इस बाबत करीब 15,000 से अधिक किसानों ने धान की बिक्री के लिए पैक्स में अपना निबंधन करवा लिया था। इस साल सरकार की यह कोशिश रहेगी कि हर किसान से धान की खरीदारी करे। वहीं उन किसानों के लिए भी यह राहत वाली खबर होगी जिन्होंने पैक्स में अपना निबंधन नहीं करवाया था। वैसे किसानों को भी अब सरकार ने बराबर धान बिक्री के दौरान छूट देने का निर्देश दिया है। छात्र संघ चुनाव सहित परीक्षा की तारीखों की हुई घोषणा। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के लिए अहम सूचना। पटना विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। ज्ञात हो यह घोषणा सीनेट की बैठक में कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह ने अपने भाषण के दौरान कही, जिसके बाद सभी विश्वविद्यालयों में यह चुनाव 7 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। इससे जुड़ी सारी जानकारी जल्द ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कर दी जाएगी। वहीं 25-26 नवंबर से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ITI पास अभ्यर्थी के लिए बंपर जॉब ऑफर्स। सभी ITI पास छात्रों के लिए खुशखबरी। 25 नवंबर से मॉडल करियर सेंटर की ओर से मुंगेर, लखीसराय, बांका व भागलपुर जिले में भर्ती अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत कुल 400 पदों पर युवाओं को गुजरात की सुजुकी मोटर्स कंपनी के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा। ध्यान रहे, यह प्रक्रिया अलग अलग जगहों पर विभिन्न विभिन्न तारीखों पर संपन्न होगी। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन पदों पर आवेदन भरने के लिए 2015 से 2019 के बीच फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर, PPO, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, पेंटर जनरल, ऑटोमोबाइल से ITI पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा SSC बोर्ड में 50% मार्क्स और ITI में 60% मार्क्स होना अनिवार्य होगा। सभी पैक्स होंगे डिजिटल। आगामी पैक्स चुनाव में सभी पैक्सों को अब डिजिटल करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत सहकारिता विभाग ने 31 दिसंबर तक सभी पैक्स को डिजिटल करने का निर्देश सुनाया है। साथ ही साथ सहकारिता विभाग ने पैक्सों को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ने के लिए सभी पैक्सों को 10,000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। ज्ञात हो पैक्सों के डिजिटलाइजेशन से अब समितियों का निबंधन अब ऑनलाइन किया जा सकेगा। सहरसा जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। सहरसा जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। मत्स्यगंधा, बाबाजी कुटी बनगांव, चंडी स्थान, विराटपुर, सूर्य मंदिर कंदाहा, उग्रतारा स्थान, देवन वन मंदिर, संत बाबा कारू खेरहरी मंदिर जरूर घूमने जाएं। पटना से सहरसा जाने के लिए खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 6 से 6.5 घंटे का सफर करना होगा। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को भी लगभग 6 घंटे का सफर करना होगा। पटना से सहरसा बाय रोड की दूरी NH 322 से 189.9 किलोमीटर है। शिक्षकों के 7 घंटे काम करने के फैसले में होगा बदलाव। कॉलेजों से विश्वविद्यालय तक के शिक्षकों से 10 से 5 बजे तक यानी 7 घंटे ड्यूटी करने के आदेश जारी करने के बाद सभी शिक्षकों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, जिसके पश्चात शिक्षकों ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया था। शिक्षकों के इस रवैये को देखते हुए 7 घंटे ड्यूटी के फरमान को वापस लेने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी हामी भर दी है। कुलपति ने सभी शिक्षकों को 3 दिनों के अंदर फैसले को वापस लेने का आश्वासन दिया है। पटना यूनिवर्सिटी ने वशिष्ठ नारायण सिंह के लिए किए थे इन नियमों में बदलाव। गणित के वैश्विक क्षितिज का सितारा टूट गया है। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने गुरुवार को ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज हम आपको वशिष्ठ नारायण सिंह के जीवन से जुड़ी एक रोचक वाक्य साझा करेंगे। ये उस समय का दौर था जब वशिष्ठ नारायण सिंह पटना विश्वविद्यालय में गणित ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त पटना विश्वविद्यालय ने उनकी काबिलियत को देखते हुए अपने संस्थान के महत्वपूर्ण नियम को तोड़ते हुए पहले साल में पढ़ रहे वशिष्ठ नारायण सिंह को सीधे 3rd ईयर के मैथ्स ऑनर्स की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी। ज्ञात हो इस परीक्षा में वशिष्ठ नारायण सिंह ने कुल 600 में 574 अंकों के साथ सफलता प्राप्त की थी। ठेकेदारों का धंधा एक बार फिर होगा शुरू। बिहार समेत कई राज्यों में बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार के 6,000 ठेकेदारों के काम को रोकने के फैसले की वजह से ठेकेदारों की समस्या बढ़ गई थी, मगर अब सरकार ने बिहार के 6,000 ठेकेदारों के काम पर लगी रोक को हटाने का फैसला कर लिया है। हाईकोर्ट ने संवेदकों के डिबार होने पर सवाल उठाया था और सरकार को पूरे मामले की समीक्षा करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने संवेदक को डिबार मुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी थी और सभी 6,000 ठेकेदारों को डिबार मुक्त करते हुए किसी भी टेंडर में भाग लेने के लिए आजाद कर दिया है। सोनपुर मेले में हाथियों की कर दी गई विदाई। सोनपुर मेले को एशिया का सबसे मशहूर मेलों में से एक माना जाता है, जहां हर साल हाथी घोड़ा मेले के शोभा में 4 चांद लगाते हैं। इस साल भी सोनपुर मेले में हाथियों का भव्य तरीके से स्वागत किया गया था और उसी प्रकार उन 5 हाथियों की धूमधाम से विदाई कर दी गई। आपको बता दें, पटना के डाक बंगला में हाथियों की विदाई के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जहां गाजे बाजे के साथ मेला की शोभा बढ़ाने आए
पांच हाथियों की विदाई कर दी गई। कंगन घाट पर अब दिखेगा टेंट सिटी। गुरु नानक जी महाराज के 550वें प्रकाश गुरु पर्व के शुभ अवसर पर पर्यटन विभाग ने पर्व समारोह की तैयारियां पटना और राजगीर में कर दी है। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कंगन घाट पर लगभग 5000 श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें, इस समारोह में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। वहीं देश विदेश के अनेक सिख धर्म गुरुओं को इस समारोह में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अब सभी लड़कियों का होगा अपना एक अलग खाता। समाज में बेटियों के उत्थान के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश करने में जुटी रहती है। इस जुगत में राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निर्देश जारी करते हुए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत राज्य के 10 साल तक की सभी लड़कियों का खाता खुलवाने का निर्देश जारी किया है। व्यापार मेले में रहा हैंड पेंटिंग का बोलबाला। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार अहम फोकस बिहार मंडप पर है। और हो भी क्यों ना, बिहार मंडप को इस बार ITPO द्वारा मेले की थीम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप ही बनाया गया है। इस साल हॉल नंबर 12 में बिहार मंडप का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजन और नियोजन की सारी जिम्मेदारी उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान को दी गई है। बिहार को राजस्व में हर दिन हो रहा है घाटा। बिहार सरकार के राजस्व विभाग को हर दिन लगभग 100 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। विभाग के अनुसार निबंधन कार्यालय में अधिकतर समय आलम यह होता है कि लिंक काम नहीं करता, और यही मूल कारण है कि बिहार सरकार को राजस्व विभाग में हर दिन करोड़ों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक पटना समेत कई जिलों में रजिस्ट्री ऑफिस का लिंक पिछले 10 दिनों से ठप पड़ा है। लिंक की ऐसी स्थिति होने के कारण बैकलोड का लोड काफी ज्यादा भर जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एक दिन में लगभग 4 से 5 हजार दस्तावेजों के निबंधन किए जाते हैं, मगर लिंक खराब होने के कारण 4 से 5 दस्तावेजों के ही निबंधन हो पा रहे हैं। बिहार महिला आयोग अब ऑनलाइन मोड पर। महिलाओं के लिए खुशखबरी, बिहार महिला आयोग ने ऑनलाइन वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है, जिसके तहत अब सभी महिलाएं खुद से जुड़ी सभी समस्याओं की शिकायत अब ऑनलाइन स्तर पर दर्ज कर सकेंगी। साथ ही साथ जारी शिकायत से जुड़ी सारी जानकारी के लिए महिलाओं को आयोग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि ऑनलाइन ही उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। नेताओं के बीच ट्विटर गेम हुआ ऑन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वशिष्ठ नारायण सिंह के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे ताबड़तोड़ सवालों भरा ट्वीट पोस्ट किया था। जदयू विधायक श्याम रजक ने लालू प्रसाद को नसीहत देते हुए कहा है कि माननीय लालू जी पहले अपने गिरेबा में झांके। वशिष्ठ नारायण सिंह को गाड़ी मुहैया न करवाने का मुद्दा बनाया जा रहा है। हो सकता है उस वक्त PMCH परिसर में गाड़ी मौजूद ही न हो, पर हम फिर भी इस मामले की जांच पड़ताल करवा रहे हैं, जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। बिरसा मुंडा की जयंती पर बिहार में दी गई श्रद्धांजलि। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सचिवालय स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजय चौधरी, श्याम रजक समेत कई गणमान्य लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। साथ ही साथ सभी नेताओं ने बिरसा मुंडा को देश की आजादी का जनक भी बताया। पटना की सड़कों पर दिखेंगे नए बस। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पटना एयरपोर्ट से 9 नई बसों की सेवा का शुभारंभ किया गया है। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व को देखते हुए बसों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें, इन नई बसों में पटना एयरपोर्ट से राजगीर के लिए 4 बसें, साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस बस का परिचालन शुरू किया गया है। इसके साथ ही गांधी मैदान से दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए 5 नई बसों का परिचालन शुरू किया गया है। राज्य सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में पटना ने मारी बाजी। मुजफ्फरपुर में राज्य सीनियर शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जहां पर पटना ने यह खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, पटना के सुधीर कुमार सिन्हा ने 9 चक्रों की बाजी में 7.5 अंक हासिल कर यह खिताब अपने नाम किया है। वहीं पटना के YP श्रीवास्तव को 7 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एक बार फिर गांधी सेतु पुल पर दिखने लगेगी ट्रकों की कतारें। महासचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के पश्चात बिहार सरकार ने यह ऐलान करते हुए बताया है कि जल्द ही JP सेतु पुल पर ट्रकों के परिचालन की शुरुआत कर दी जाएगी। आपको बता दें, आयोजित बैठक में परिवहन सचिव, कमिश्नर, पटना SSP समेत कई अधिकारी की उपस्थिति में JP सेतु पर ट्रकों के परिचालन की अनुमति दी गई है, जिसके पश्चात यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 20 नवंबर से सेतु पुल पर खाली और लोडेड गाड़ियां दोनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। अब आइए जानते हैं बिहार के सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो दिनांक 15 को 22 कैरेट सोने का भाव प्रति ग्राम 3,749 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,000 रुपए था। इसके अलावा बिहार में पेट्रोल की कीमत 79.36 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.33 रुपए प्रति लीटर था।
विराट कोहली बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ बिना खाता खोले आउट होकर मैदान से वापस चले गए। विराट के शून्य पर आउट होने से फैंस में काफी मायूसी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, अगर हम टेस्ट मैचों के रिकॉर्ड्स पर गौर करें तो यह 10वीं बार है जब भारतीय कप्तान बिना खाता खोले पवेलियन में वापस लौट गए हों। पहली सालगिरह पर दिखा दीपिका रणवीर का अनोखा अंदाज। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी शादी की पहली सालगिरह पर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे, जहां इन दोनों ने पूजा अर्चना की और अपने सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। आपको बता दें, दीपिका रणवीर अकेले आशीर्वाद लेने नहीं पहुंचे थे, बल्कि दोनों स्टार सेलिब्रिटीज अपने पूरी फैमिली के साथ समय बिताते नजर आए। दीपिका और रणवीर ने अपनी एनिवर्सरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जहां वो दोनों तिरुपति मंदिर के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप और सुबह के वक्त धुंध के साथ ही ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। मोतिहारी में बंधे नीतीश कुमार की तारीफों के पुर। बिहार के मोतिहारी जिले में जदयू द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक दलित एवं महादलित सम्मेलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम में बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांध दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने दलितों को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिलवाने और विकास का रास्ता दिखाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं बिहार की शिक्षा स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार शिक्षा पर खास ध्यान दे रही है। इसके अलावा सरकार ने हर गली में पक्की सड़क के साथ साथ गांव घर तक बिजली भी मुहैया करवाने का काम किया है। फेसबुक ने जारी की ई वॉलेट की सुविधा। डिजिटल दुनिया में अब फेसबुक भी अपने पैर पसारने लगा है, जिसके तहत अब फेसबुक ने अपना ई वॉलेट फेसबुक पे लॉन्च किया है। अभी फिलहाल ये सेवा बस फेसबुक और मैसेंजर पर ही उपलब्ध होगी, मगर बाद में इसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस ऐप के जरिए फंड रेजिंग, इन गेम खरीदारी, कार्यक्रमों की टिकटो, पर्सन टू पर्सन पेमेंट और फेसबुक मार्केट प्लेस पर पेजेस पर खरीदारी करने में इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें, अभी यह सुविधा सिर्फ US में शुरू की गई है, धीरे धीरे ये सभी जगहों पर लॉन्च कर दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के 25 बड़ी खबरों में से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।